नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी VDABC पुलकित गर्ग व सचिव वेद प्रकाश मिश्र के कड़े तेवर के बाद अवैध निर्माण करने वाले शहर के नियोजित विकास को पलीता लगाने वालों की खैर नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो VC पुलकित गर्ग और सचिव साहब स्वयं बनारस की सड़कों पर नियोजित विकास को पलीता लगाने वालों के खिलाफ खुद भी मौके पर जाकर इस बात की ताकीद करते हैं कि अब बनारस में अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। ताज़ा मामला वाराणसी के थाना भेलूपुर अंतर्गत रविंद्रपुरी कॉलोनी में HFL यानी अधिकतम बाढ़ बिंदु प्रतिबंधित क्षेत्र में फिड़का रेस्टोरेंट के ठीक बगल में 21 सितंबर शनिवार की आधी रात को कंक्रीट मिक्सचर मशीन से ढलाई का काम ग्राउंड फ्लोर पर धड़ल्ले से किया जा रहा था। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यह खबर आपके चैनल पर प्रसारित होते ही VDA के आला अधिकारियों ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि जोनल अधिकारी को इस अवैध निर्माण को तत्काल सील करने के लिए निर्देशित भी किया। आप देख सकते हैं भवन स्वामी महेंद्र सिंह वगैरह द्वारा भवन 3/335-151-A-1-A फिड़का रेस्टोरेंट के बगल में रविंद्रपुरी वार्ड भेलूपुर जिला वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 30x60 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में पीछे की तरफ लगभग 30x30 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में पीलर खड़ा करते हुए बेसमेंट में ढलाई का कार्य किया जा रहा है। लिहाजा इस अवैध निर्माण को तत्काल सील कर दिया गया। बता दें कि जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी के निर्देश पर सील की कार्रवाई अवर अभियंता RK सिंह के द्वारा की गई, जिसकी नोटिस मौके पर चस्पा कर दी गई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के थाना भेलूपुर अंतर्गत सोनापुरा हरिश्चंद तिराहे पर अंडरग्राउंड में मौत की भट्टी में बने अशोक AC रेस्टोरेंट को। आप देख सकते हैं 2 फीट की सकरी सीढ़ी से अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में जाने का रास्ता है। क्लाउन टाइम्स ने अपने खुफिया कैमरे से जब इस रेस्टोरेंट की पड़ताल किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था कि AC रेस्टोरेंट, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर धधकती भट्टी के बीच तर बतर पसीने से लथपथ ग्राहक खाने में जुटे थे। सोचिए अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो सड़क से लगभग 8 फीट नीचे बने इस रेस्टोरेंट की 2 फीट सकरी सीढ़ी से शायद ही कोई बचकर बाहर निकल पाएगा, लेकिन वर्षों से चल रहा है यह मौत की भट्टी में अशोक रेस्टोरेंट। सोनारपुरा चौराहे पर इसी रेस्टोरेंट के ठीक सामने गंगा व्यू गेस्ट हाउस में पार्किंग में रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। क्लाउन टाइम्स ने अपने खुफिया कैमरे से जब इसकी भी पड़ताल किया तो आश्चर्य करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ भी आप देख सकते हैं सड़क से 8 फीट नीचे पार्किंग क्षेत्र में किचन पर काम करते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में बढ़ते पर्यटन उद्योग के चलते हर गली कूचे और पार्किंग स्थलों में अवैध गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट की बाढ़ आ गई है। मिलाकर हम यही कहेंगे कि शहर के आम नागरिकों के सामने अवैध निर्माण करने से बचने का रास्ता इतना कठिन है कि इस पर पूरी तरह अमल कर पाना नामुमकिन है। लिहाजा जब तक बीच का रास्ता नहीं बनेगा तब तक कोई भी नागरिक अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसके भरोसे छोड़ देगा। सूबे की योगी सरकार के सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की भी कोशिश होनी चाहिए कि अपने देवतुल्य मतदाताओं को भवन निर्माण के दौरान उनकी मदद के लिए मानवीय आधार पर खड़ा रहना बहुत जरूरी है, वरना जब किसी के आशियाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो लगता है जैसे उस इंसान के पूरे परिवार की जीते जी मौत हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स TV यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, घंटी को भी दबाएं। खबर अच्छी लगी है तो
तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि आपके चैनल को अब तक देश और दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों ने देखा है, लेकिन अभी तक हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 92,000 है, जिसे 1,00,000 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। क्लाउन टाइम्स परिवार की ओर से अच्छा सुझाव भेजने वाले दर्शकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंत में हम फिर एक बार आपसे अपील करेंगे कि आप अपने चैनल पर 1,00,000 दर्शकों को जोड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।